सो गाइस हमने फाइनली 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए और सीखते रहिए। मैं अपनी तरफ से हमेशा ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए लेसन अपलोड कर पाऊँ, वीडियोज अपलोड कर पाऊँ। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना ही कोई मैं प्रोफेशनल हूँ, बस आप लोगों की तरह म्यूजिकल जर्नी इंजॉय कर रहा हूँ। आप भी करिए और साथ मिलकर सीखते हैं। सो अब मैं आप लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, अपने सेटअप के बारे में बताऊंगा, मैंने कहाँ से परचेज करा और सब कुछ इसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये मेरा 88 कीज का पियानो है जो आप जनरली मेरी वीडियोस में देखते हो, यूट्यूब लेसन्स में देखते हो, और जनरली मैं इसी को यूज करता हूँ लेसन्स बनाते समय। और ये मैं अपने घर के पर्पज के लिए लिया था मैंने, क्योंकि ये काफी हैवी है तो इसको मैं कैरी नहीं कर सकता। अराउंड ये 28 kg का है। तो ये मेरी खुद की प्रैक्टिस के लिए है जो मैं अपने घर पे, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ तो जो भी आते हैं यहाँ पे वो इसी पे सीखते हैं, और तो इसी को मैं अपने होम पर्पस के लिए यूज करता हूँ। और ये मेरा कंप्यूटर सेटअप है, ये मेरे यामाहा के मॉनिटर्स हैं, ये दोनों HS5 मेरे मॉनिटर्स हो गए। ये मेरा कंप्यूटर है, नीचे CPU रखा हुआ है। तो ये मेरा कुछ नॉर्मल सा सेटअप है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह करता हूँ थोड़ा, और इसी के थ्रू मैं अपना सारी वीडियोज एडिट भी करता हूँ। और ये मेरा माइक है, रॉड NT1 है, जो वोकल्स के लिए यूज होता है जनरली, रिकॉर्डिंग के लिए, वोकल्स के लिए गाना गाते वक्त। तो ये रॉड NT1 है, ये मेरा माइक हो गया। और ये मेरा दूसरा वाला कीबोर्ड है, इसको वैसे वर्क सेशन कहते हैं, इसमें स्पीकर नहीं होते हैं दोनों तरफ, अगर आप देखो इसमें स्पीकर नहीं है। तो ये मैं शोज के लिए यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि वो वाला मेरा 88 कीज है, काफी हैवी है, वो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और घर के लिए यूज करता हूँ लेसन बनाने के लिए। लेकिन जब मैं शोज में जाता हूँ तो मैं शोज में ये 61 कीज कैरी करता हूँ। ये अराउंड 7 kg का है और ये मॉडल है यामाहा MOXF6। ये मैंने अराउंड 85,000 का परचेज करा था, और ये वाला मैंने 73,000 का परचेज करा था। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, ये दोनों यामाहा कंपनी के हैं। मेरे को यामाहा काफी अच्छा लगता है ब्रांड, तो मैं यामाहा ही यूज करता हूँ। सो ये मेरी अलमीरा है जहाँ पे मैं सारे अपने सेटअप रखता हूँ, लाइक मेरा जो कैमरा है DSLR, वो उसके ट्राइपॉड स्टैंड, मतलब इसमें मैं अपना सारा सामान रखता हूँ इस अलमीरा में। और ये मेरा गिटार है, यहाँ मेरा गिटार रखा है, और ये मेरा 61 कीज का कीबोर्ड हो गया। ये सेटअप कंप्यूटर सेटअप, 88 कीज पियानो, और ये मैंने एक लैम्प शेड है, ये मैंने अमेज़न से परचेज करा था। ये लैम्प शेड है, मैं एक स्क्रीन आपको दिखाता हूँ ऑन करके, इस तरीके से इसका स्विच है ऑन हो गया। और ये जो स्टीकर आप लोग देख रहे हैं, म्यूजिक मेक्स एवरीथिंग बेटर, ये मैंने अमेज़न से परचेज करा था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा इस वॉल पे मैं इसको लगाऊंगा। तो ये दोनों चीजें मैंने अमेज़न से परचेज करी है। और वैसे मैंने यामाहा HS5 जो मॉनिटर बताया, ये भी मैंने अमेज़न से परचेज करे। सो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सब क्या है, ये मेरे पियानो रूम में, म्यूजिक रूम में ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा बेड कह सकते हैं, छोटा सा बेड, नॉर्मल सा, और इसको चाहे आप स्टूल बोल लो या कुछ भी बोल लो। तो कई बार मैं यहीं पे आराम करता हूँ, कई बार मैं यहीं पे ही सोता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अपने सेटअप कर रखा है उठने और बैठने का, ठीक है। तो बाकी ये सब जो आप देख रहे हो, ये भी मैंने अमेज़न से परचेज कराया है। आप लोग सोच रहे हो क्या क्या परचेज करी है मैंने। ये जो शेल्फ आप देख रहे हो, वॉल हैंगिंग शेल्फ, ये मैंने अमेज़न से परचेज करा है, और इसमें कुछ चीजें जो आप देख रहे हो रखी हुई, मुझे कुछ गिफ्ट में मिली थी और थोड़े बहुत मैंने परचेज कर ली, ठीक है। तो ये सब मैंने थोड़ा डेकोरेट कर रखा है कि हाँ यार अच्छा लगना चाहिए, जैसे प्लांट्स हो गए, तो ये सब डेकोरेटिव आइटम्स हो गए। सो अब मैं आपको इनसे मिलवा देता हूँ, ये हमारे 3 म्यूजिशियन भाई हैं। तो अभी ये मेरे को 1-2 दिन पहले ही मिले हैं, जब हमारे 50,000 फैमिली कंप्लीट हुआ तो मुझे गिफ्ट में मिले हैं ये तीनों भाई। तो मैंने सोचा चलो भाई इनको म्यूजिक रूम में रखेंगे, यहीं पे मैंने इनको रख दिया अपने पास में। और अब बात करते हैं इसकी, ये मेलोडी का होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेलोडी का, हॉनर कंपनी का है। एक दो लाइव सेशन में मैंने एक बार इसको प्ले करके दिखाया था, इसको ब्लो करके प्ले करते हैं हवा के थ्रू, ठीक है, ब्लो करके प्ले करते हैं। और अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। ये जो 32 कीज का कीबोर्ड है, बिल्कुल बेसिक सा, मैंने एक इस पे स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा उसको यूट्यूब पे। तो यहाँ से स्टार्ट करा था, मैंने सोचा चलो इसको भी अपने साथ में रखें, तो मैंने इसको भी आज रखा है कि चलो मैं आपको दिखाऊं। तो यही है कुछ हमारा म्यूजिक रूम, मैंने सोचा चलो ठीक है आपको रूम टूर करवा दूं। काफी लोग बोल रहे थे, 1-2 साल से काफी मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई दिखा देते हैं आप, एक ओकेजन है, स्पेशल ओकेजन, 50K फैमिली कंप्लीट हुई, तो मैंने कहा ठीक है दिखाते हैं। तो यही है मेरा रूम सेटअप, और बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल रूम नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये साउंड प्रूफ भी नहीं है। आपको मेरी आवाज सुन के पता लग रहा होगा आवाज बहुत गूंज रही है, ये साउंड प्रूफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा रूम है, छोटा सा रूम है, बस मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा है थोड़ा इसको रेनोवेट करवाने के लिए, थोड़ा
जैसे लाइट्स हैं आप ऊपर देख रहे हो, ये लाइट्स वगैरह भी मैंने थोड़ी लगवाई है कि हाँ थोड़ा इससे अच्छा लुक आए, एक अच्छा एम्बियंस आए। तो यही है, बाकी दोबारा से आप लोगों का शुक्रिया बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सीखते रहो। मैं अपनी तरफ से हमेशा ट्राई करूंगा कि वीडियोस अपलोड करता रहूँ आप लोगों के लिए, सिखाता रहूँ जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मुझे आता है। और तो चलो ठीक है, मिलते रहेंगे हम अपनी आने वाली क्लासेस में।